तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और दोस्तों, आज मैं फिर से इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आसाम राइफल की भर्ती के बारे में, कि इसके भर्ती आए कि नहीं। और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछते रहते हैं कि सर या तो कुछ भी मुझे बोल के, मतलब कब भर्ती आएगा। 2020 को तो आया नहीं, 19 को भी नहीं आया था। और 19 की मतलब 18 जो 18 का है वो 19 में पढ़ता है, तो वो 19 में आया है। और उसके बाद 20, 21 हो गया अभी लेके, तो मतलब अब तक जो है मतलब कुछ भी रैली नहीं है। और किस हालत से ये रैली नहीं हो रहा है, ये सब भी आप लोगों को पता है, सभी को भी, ठीक है। और मैं यूट्यूब में सारा इतना सारा वीडियो देख रहा हूँ कि असम राइफल की भर्ती आया है, और क्वालिफिकेशन 10 पास 12 पास, और बहुत सारा पोस्ट, तो ऐसा कुछ मतलब यूट्यूब में सर्च करते हैं तो ये सब बहुत वीडियो देखने को मिल रहा है। तो मैं सबको कहना यही चाहूँगा कि उन यूट्यूबर को जो लोग फेक वीडियो बनाते हैं, ओके, तो ऐसा बनाना नहीं चाहिए। मतलब लोगों को जो है गलत इंफॉर्मेशन देना वो गलत बात है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग फेक वीडियो बनाता है, सो प्लीज़ आप लोग कम से कम अभी तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ब्लॉगर वेबसाइट बना के वहाँ पे आप खुद मतलब टाइप करके उसके बाद उसमें पोस्ट करके, और वही जो है उसी पोस्ट को ही मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मतलब आप लोगों को दिखाई देता है कि इतना वैकेंसी आया है, ये पूछ है, इतना पूछ है ये, और इसका क्वालिफिकेशन ये है। मतलब ऐसा वीडियो में ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे अभी भी। तो और उन यूट्यूबर को कहना चाहूँगा, एक मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, अगर नाम भी ले सकते हैं आप लोग, अगर रिक्वेस्ट करता है फेक वीडियो कौन बनाता है तो मैं नाम ले सकते हैं, बट मैं लेंगा नहीं। उसको देखेंगे कि वो सुधरता है कि नहीं, और देखते हैं कि कितना दिन की बात सुधरते हैं, ओके। उसका वीडियो में देखो, उसके चैनल पर जाके मतलब 90% जो है उसका मतलब फेक वीडियो बनता है वो यूट्यूबर, ठीक है। तो ऐसा बनाना नहीं चाहिए, किसी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना वो गलत बात है, ठीक है। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि असम राइफल का भर्ती अभी तक नहीं आया है, और ये सब जो अभी चल रहा है दुनिया में वो सब मतलब ख़त्म जब तक नहीं होता है तो नहीं होगा, ऐसा मैं आप लोगों को बोल रहा है। और मेघालय का स्टेट के जो लोग भी है तो वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेघालय का मतलब सब कुछ बंद है मेघालय में, तो बस आर्मी हो गए कुछ दिन की पहले, और उसका क्या क्या प्रोसेस अभी चल रहा है पता नहीं, लेकिन मैं उस रैली में जा नहीं पाया। तो और बाकी जो स्टेट का जॉब है, कोई भी सिविल लाइन जॉब है, वो सब भी पेंडिंग करके रखा है। बाकी स्टेट में तो चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, बट मेघालय के लिए बंद करके रखा है सब कुछ। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग मुझे मतलब कमेंट करते हैं कि असम राइफल का भर्ती आया कि नहीं, और कब आएगा और है कि नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक नहीं है, और जब तक देश का हालत ठीक नहीं होता है आप तब तक तो होगा ही नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके चैनल को ज़रूर अनसब्सक्राइब कर देना, ओके। तो आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और इसलिए वो भी आप लोग वीडियो देखते हैं, तभी ना वो आप लोग का वीडियो बनाता है रिपीट करके, जिस वीडियो में जिस कंटेंट में मतलब ज़्यादा व्यूज़ मिलता है तो उसी कंटेंट में वो यूट्यूबर जो है बार बार वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं इस वीडियो में इतना ही था बोलने के लिए, तो थैंक यू सो मच।